तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ डंकी नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की स्वीटी से शादी कर ले। कार्तिक नहीं अक्षय कुमार के साथ बनेगी दोस्ताना 2। 29 इयर्स हीरोइन के साथ करते दिखेंगे रोमांस। साल 2019 में धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म दोस्ताना 2 का ऐलान किया था और इस फिल्म का काम भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया था, लेकिन फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर काफी विवाद हुआ। इसी वजह से स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद भी अब तक इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। कार्तिक फिल्म में लीड अभिनेता के रूप में नजर आने वाले थे, जिन्हें मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे लग रहा है कि जल्दी ये फिल्म एक बार फिर फ्लोर पर आ सकती है। दावा है कि इस फिल्म में अब अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। अक्षय कुमार की आखिरी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी अभिनेता का स्टारडम बरकरार है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 में अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन को बाहर निकालने के बाद मेकर्स ने अक्षय कुमार को अप्रोच किया है। मेकर्स और अक्षय कुमार के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि अगर मेकर्स और अक्षय कुमार के बीच बातचीत बन गई तो जल्द ही फिल्म की स्क्रिप्ट में भी कुछ खास बदलाव किए जाएंगे, जिसमें अक्षय कुमार को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के स्टार कास्ट में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने स्क्रिप्ट पर एक बार फिर काम शुरू कर दिया है। दोस्ताना 2 की लीड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर है, यानी अब अक्षय कुमार जाह्नवी के साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं। दावा ये भी है कि अक्षय की एंट्री से जल्दी इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। शुरुआती दिनों में दोस्ताना 2 कार्तिक आर्यन का चयन किया गया था। इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन 30 दिनों की शूटिंग के बाद कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त करण जौहर ने एक बयान दिया था, जिसमें कार्तिक को अनप्रोफेशनल बताया था। दोस्ताना 2 साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी ऐसे दो दोस्त की थी जो एक लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर करने के लिए खुद को समलैंगिक बता देते हैं। हालांकि दोनों ही उस लड़की से प्यार करते हैं।